नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सहायक शिक्षक भर्ती की आप सभी को निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, और जो आज होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम लोग आज से पहले पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसेस का भी मैं स्टार्ट किया हूँ, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ चुके हम लोग। तो मैं 1 से लेकर 25 तक कुछ बेसिक बेसिक चैप्टर पढ़ाया हूँ, और मैं पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सर्च एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करणी। तो मैं फिर से आपको जहां पे छोड़ा था वहीं से आगे लेके चल रहा हूँ, और आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्च एंड इंडाइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? तो स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप इतना कमेंट करिए कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं आप तक। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। कमेंट करिए मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं सभी को। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, और अभी क्या पढ़ रहे हैं, सर्च एंड इंडाइसेस का चैप्टर। क्लियर है ना, सर्च एंड इंडाइसेस? तो बताइए फटाक से कमेंट करके कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हम लोग। कल मैं आपको बताया था सर्च एंड इंडाइसेस के, तो लॉस ऑफ इंडाइसेस में डिस्कस किया था, तो मैं ऐसा आशा कर रहा हूं कि आप सब के सब पढ़ के आए होंगे उसको, और कुछ कल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे, और कल जितने भी क्वेश्चन कराया था मैं, सभी के सभी किसी ना किसी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है 11 to the power 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 33 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 66 whole to the power 1.5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4.5 इक्वल्स टू लिखा गया है 33 to the power? 33 to the power? इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11 to the power 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 33 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 66 to the power 1.5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 4.5 इक्वल्स टू 33 to the power? मैं बताया था कि इस घातांक एवं करणी से प्रश्न आएगा, तो सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होगा कि बड़े जिसका बेस बड़ा होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे बेस में। तो सबसे पहले आप देखिए सबका बेस, तो यहां पे मैं बेस देख पा रहा हूं 11 है, यहां पे 33 है, 66 है, 2 है और 3 है। तो मेरे को जो सबसे छोटा बेस दिख रहा है वो दिख रहा है पहले 2, उसके बाद क्या दिख रहा है 3। तो आपको यह सोचना पड़ेगा जिस संख्या का बेस बड़ा है 2 और 3 से, क्या उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या 2 और 3 के फॉर्म में? तो यदि आप ब्रेक कर पाएंगे तो उसको पहले ब्रेक करके लिखना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 11 to the power 4.5, तो इसको मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा तो इसको आप ऐसा ही लिख दो 11 to the power 4.5। बगल में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाऊंगा मैं। 33 का मतलब क्या होगा, तो 33 का मतलब होगा 3 × 11। अब 3 × 11 में कैसे लिख रहा हूं, तो गुणनखंड विधि से निकाल के लिख रहा हूं मैं। गुणनखंड विधि जो बताया था ना मैं आपको, उस विधि से ब्रेक करके लिख रहा हूं। जिनको नहीं आता वो बिल्कुल ऐसा निकालेंगे 33 से। गुणनखंड करोगे 3 11 times, फिर जाएगा 11 1 times, तो 33 का मतलब कितना हो जाएगा 3 × 11। पावर में क्या लगा हुआ है 3, तो आप लगा दोगे 3। मल्टीप्लाइड बाई 66 का मतलब होगा 2 × 3 × 11 whole to the power 1.5। 2 × 3 × 11 whole to the power 1.5। अब क्या लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड 2 to the power 1.5। तो समझिएगा डिवाइड जो है वो कहां पे है सर, 2 to the power 1.5 के पहले। तो आप डिवाइड में किसको लिखोगे, केवल 2 to the power 1.5। और जो है बगल में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 3.3 to the power 4.5। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जो लगा हुआ है ना 3 × 3 to the power 4.5, इसको ना यहां पे ना लिख के नीचे में लिख देते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए लगा लिखा हूं कि भाई डिवाइड किसके बीच में लगा है,
तो आप बोलोगे सर 66 टू दी पावर 1.5 और 2 टू दी पावर 1.5 के बीच में लगा है, तो जिनके बीच में लगा है उनके बीच में क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और जो बगल में मल्टीप्लाई हो बगल में मल्टीप्लाई के ही रूप में रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं इस जो बगल में मल्टीप्लाई है उसको नीचे में लिख देते हैं, नीचे में नहीं आएगा भाई, जिनके बीच में डिवाइड है उनके बीच में ही डिवाइड रहेगा, ठीक है। बगल में क्या आएगा यहाँ पास 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क, इसको आप एज इट इज रहने दो। अब मैं आपको कल प्रॉपर्टी बताया था, क्या प्रॉपर्टी बताया था, a इंटू बी इंटू सी होल टू दी पावर n होगा, तो आप लिख सकते हो a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n इंटू सी टू दी पावर n, इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं। तो ये तो हेजिटिस रहेगा 11 टू दी पावर 4.5। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर 3 इंटू 11 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्या मिलेगा 2 टू दी पावर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 टू दी पावर 1.5 होल डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1.5 बगल में मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 4.5 इक्वल्स टू 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। अब आप देखोगे तो ये देखो 2 टू दी पावर 1.5 2 टू दी पावर 1.5 कैंसिल होगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताया था मैं कल पिछली क्लास में बताया था कि सर यदि आपका बेस सेम है, यदि आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो आप सबसे पहले देखो कि किसका बेस सेम सेम है, तो यहाँ पे देखो 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3, 3 और 3। तो आप क्या करो सभी जिसके बेस कॉमन है उसको आप प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करोगे। तो इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करूंगा जिसका बेस सेम है, तो यहाँ पे बेस किसका सेम दिख रहा है 3 और 11 का, तो मैं पहले 3 वाले को लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं 3 टू दी पावर 3 और देखिए 3 के पावर में क्या है सर 1.5 तो ये जुड़ जाएगा, प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पास 3 टू दी पावर 4.5 बगल में लगा है मल्टीप्लाई, आप भी लगा दोगे मल्टीप्लाई, सभी में मल्टीप्लाई लगा है ना तो मल्टीप्लाई आएगा। अब जिसका बेस में 11 है, तो जिसके बेस में 11 है उसकी संख्या का क्या जुड़ जाएगा, पावर एड हो जाएगा, तो पावर एड होने पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पास 4.5 प्लस 4.5 और देखिए यहाँ पे क्या है 3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5 प्लस क्या मिलेगा आपको 1.5 इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क, 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 9, इसी प्रकार यहाँ पे क्या मिलेगा 11 टू दी पावर 9 होल इक्वल्स टू 33 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। अब मैं फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा a इंटू बी इंटू सी होल टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n इंटू सी टू दी पावर n। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि सर a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, मैं लिख सकता हूँ क्या a इंटू बी होल टू दी पावर n, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 11 होल टू दी पावर 9 इक्वल्स टू 33 और ऊपर में लगा है क्वेश्चन मार्क, 3 इंटू 11 हो जाएगा 33 होल टू दी पावर 9 और इधर हो जाएगा 33 होल टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं बेस आपका सेम हो गया, और अगर आपका बेस सेम होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू लगा है तो जो पावर है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एम इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको एन, तो 9 इक्वल्स टू क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क, और आपको बताना था क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा देखिए 9, इसका आंसर क्या आएगा 9। बहुत बढ़िया रीना कुमारी, क्लियर है। तो मैं साइड में आपका प्रॉपर्टी भी लिखते चल रहा हूं ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। तो बताओ भाई समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितने लोग जुड़े हो भाई सबको लाइक करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है सबको, और साथ ही साथ समझते हुए चलना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है।
ये सब पूछेगा प्रश्न है ना, 49 टू द पावर n प्लस 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 49 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, 7 टू द पावर 2021। तो आपको बताना है कि n का वैल्यू क्या आएगा, आपको क्या बताना है कि n का वैल्यू क्या आएगा। सात बार है, 49 टू द पावर n कितने बार है, सात बार, और इक्वल्स टू में लिखा हुआ है 7 टू द पावर 2021। तो आपको बताना है कि n का वैल्यू क्या आएगा। चलिए हमारा सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, तो मैं सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले आप देखोगे बेस कि किसका बेस सबसे छोटा है। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं सब में बेस कॉमन दिख रहा है, सब में बेस कॉमन दिख रहा है और पावर भी सेम दिख रहा है। तो आप क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 49 टू द पावर n कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार बचेगा, टोटल सात बार, और इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा, 7 टू द पावर 2021, 7 टू द पावर 2021। तो फाइनली क्या लिखूंगा मैं यहां पास, 49 टू द पावर n, और कितने बार है, सात बार, तो क्या हो जाएगा, सात, और इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, 7 टू द पावर 2021। अब यहां का बेस देखो, बेस दिख रहा है सात और यहां पे क्या दिख रहा है, 49। तो 49 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 7 के बेस में, तो आप बोलोगे हां सर 14 का लिखूंगा मैं, 7 टू द पावर 2 और बगल में लगा हुआ है n, बगल में लगाओगे मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 7 टू द पावर 2021। तो क्या मिलेगा आपको आंसर, तो आप बोलोगे सर 7 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट क्या लगा रहता है 1, आप यहां पे फिर से कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो आप बोलोगे a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा, m प्लस n, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7 टू द पावर 2021। अब यदि आपका बेस सेम है बीच में इक्वल्स टू लगा है तो आप इसके पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा यहां पास मैं, 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 2021, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2021 माइनस 1, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 2020। अब अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1010। आपको वैल्यू क्या मिलेगा n का, 1010। बताइए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, बताओ भाई समझ में आया सभी को, आया समझ में सभी को, क्या क्यों मैं इन सभी से 49 टू द पावर n को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, सात बार, तो जोड़ा मैं मिला सात। उसके बाद मैं बताया हूं कि घातांक एवं करणी को यदि आपको बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेस को सेम करना होता है, इसलिए मैं देखा कि सबसे छोटा बेस क्या है 7, तो बड़े बेस को छोटे बेस में कन्वर्ट किया हूं, तो 49 को मैं ब्रेक किया हूं किसमें, 7 टू द पावर 2 में, ताकि मैं बेस सेम कर सकूं। अब अगर बेस सेम होगा तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा, m प्लस n, इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज किया हूं और यहां पे क्या लिखा हूं, 7 टू द पावर 2n प्लस 1। अब यहां पे मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हूं, तो आप बोलोगे a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज किया हूं। तो पूरा चैप्टर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, लॉस ऑफ इंडाइसेस पे। आपको जितने अच्छे लॉस याद होंगे उतने जल्दी जल्दी आप बना पाओगे, अगर लॉ ही याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया था 1010 1010, बहुत बढ़िया। चलिए सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है भाई, मेरा एक भी प्रश्न नहीं है, ये सब आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ व्यापम में या पीएससी में, तो ध्यान से बनाइए, क्लियर है। आपके शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती में बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में यदि आएगा तो। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू दिया गया है 1280। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, आपको क्या बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। चलिए तुम्हारे बनाने का अप्रोच क्या होगा समझिएगा,
क्या दिया गया आपके पास, 2 to the power x-1 प्लस 2 to the power x+1 इक्वल्स टू कितना दिया गया है 1280, इक्वल्स टू कितना दिया गया है 1280। तो समझिएगा क्या होगा आपका बनाने का अप्रोच, आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि सर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n क्या हो जाता है, a टू दी पावर m माइनस n। तो अगर a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m माइनस n मिलता है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर a टू दी पावर m माइनस n जो रहेगा उसको मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power 1, बगल में लगा है प्लस तो आप लगाओगे प्लस, ये क्या लिखा हुआ है 2 to the power x+1। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n। तो अगर a टू दी पावर m प्लस n है तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको ब्रेक करूंगा और क्या लिखूंगा 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 इक्वल्स टू 1280 इक्वल्स टू 1280। अब आप यहां से देखो 2 to the power x कॉमन निकाल सकते हो, तो मैं निकालूंगा 2 to the power x कॉमन, क्या बचेगा 1/2 + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1280 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1280। तो यहां पास से मिलेगा 2 to the power x, इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 5/2 और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1280। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 2 to the power x इक्वल्स टू 1280 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 5। कैंसिल करोगे 5 के टेबल में, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 बचेगा, 5 5 = 25, 3 बचेगा, यहां पे बच जाएगा 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 to the power x समझना, और 256 का मतलब होता है 2 to the power 8 और बगल में क्या चल रहा है 2 to the power 1। 256 का मतलब क्या होता है 2 to the power 8। अगर आपको पता नहीं है तो आप जैसे गुणनखंड निकालते हैं ना इसी प्रकार आप निकालोगे 256 क्या लिखूंगा मैं यहां पास 1 2 8, फिर जाएगा 2 से 64, फिर जाएगा 2 से 32, फिर जाएगा 2 से 16, फिर जाएगा 2 से 8, फिर जाएगा 2 से 4, फिर जाएगा 2 से, फिर जाएगा 2 से 1, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को लिखा हूं मैं 2 to the power 8 और बगल में क्या चल रहा है 2 to the power 1 कुछ नहीं मतलब पावर में होता है 1, गलती मत करना यहां पे जीरो समझने का, यहां पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम है, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, अब आपका बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू लगा है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 9। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी को दिक्कत है क्या यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत है क्या यहां तक, सभी को समझ में आया हर चीज, टोटल जो चैप्टर डिपेंड कर रहा है वो लॉस पे डिपेंड कर रहा है, आपको जितना अच्छा लॉ याद रहेगा उतने जल्दी आप बना पाओगे, क्लियर है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, जितना जल्दी याद कर लो लॉ, जितना जल्दी याद कर लोगे प्रॉपर्टी उतने जल्दी जल्दी आप बना पाओगे, बहुत आसान चैप्टर है लॉस एंड इंडाइसेस एंड सर्ट्स, आप सभी से बन जाएगा अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। चलो आगे बढ़ें, चलो सभी का आंसर भी आया था, बढ़िया आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, आपके पीएससी में पूछा गया है प्रश्न, 3 to the power n इक्वल्स टू 81, 3 to the power n इक्वल्स टू 81, आपको बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, क्या दिया हुआ है
स्क्वायर रूट 3 टू दी पावर n इक्वल्स टू 81, आपको बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा। स्क्वायर रूट 3 टू दी पावर n इक्वल्स टू 81, आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर सर मेरे पास लिखा हुआ है रूट एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स टू दी पावर 1/2, लिख सकता हूं मैं एक्स टू दी पावर 1/2। इसी प्रकार आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 टू दी पावर n, तो यहां पे x के प्लेस में क्या दिया हुआ है 3 टू दी पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो 3 टू दी पावर n होल टू दी पावर 1/2। क्या लिख सकते हो आप? होल टू दी पावर 1/2। तो इसी कारण मैं इसको रिप्लेस करके ऐसा लिख रहा हूं मैं, तो लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं 3 टू दी पावर n बाय होल टू दी पावर 1/2 और इक्वल्स टू में क्या है 81, इक्वल्स टू में क्या है 81। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम है a टू दी पावर n होल टू दी पावर n, क्या हो जाएगा a टू दी पावर n इनटू m। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं 3 टू दी पावर n बाय 2 इक्वल्स टू 81। अब मैं बोला था कि घातांक एवं करणी में हर बार सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको बेस सेम करने का। तो 81 को आप क्या बेस सेम कर सकते हो क्या 3 के जैसे? 81 को ब्रेक करके 3 के बेस में लिखा जा सकता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। 81 का मतलब एक्चुअल में होता क्या है 3 टू दी पावर 4, क्या होता है 3 टू दी पावर 4। तो आप 81 को ब्रेक करोगे और क्या लिखोगे 3 टू दी पावर 4। और जिनको नहीं आता मैं फिर से बोल रहा हूं गुणनखंड विधि का हेल्प लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा, क्लियर है। अब क्या होगा, बेस सेम है आपका और बीच में क्या लगा इक्वल्स टू, बीच में लगा इक्वल्स टू, बेस सेम है तो आप पावर को सीधा सीधा इक्वेट करा के लिख सकते हो n बाय 2 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, आपका आंसर यही आ जाएगा n इक्वल्स टू 8। ये पीएससी के पेपर में पूछा था, पीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था ये, 2016 का पेपर देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा। 4 नहीं आएगा, जिन लोग 4 आंसर कर रहे हैं ना भाई ध्यान देना, ये n बाय 2 होगा तो n बाय 2 तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा, ध्यान रखना ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके सब एग्जाम में शिक्षक भर्ती के पेपर में या अन्य व्यापम के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी के सभी ना किसी ना किसी व्यापम के एग्जाम में या पीएससी में आए हैं, समझ में आ रहा है। मैं केवल आपको क्या करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर को, सर्च एंड इंडेक्सेस का प्रीवियस ईयर पेपर को समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर है कि नहीं। तो इतना बना लोगे तो आप समझो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व हो गया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चन को उठा के लाया हूं, उसे इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार और अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन लिख के सीधा सीधा सोल्यूशन बनाइएगा अपने से, आपको अगर सब बढ़ रहे हैं मतलब आपका डाउट भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई 20 टू दी पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 टू दी पावर m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 15 टू दी पावर m प्लस n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 16 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर m माइनस 1 m माइनस 1। देखिएगा भाई आराम से लिखिए क्वेश्चन को, जहां पे n है वहां पे n, जहां पे m है वहां पे m। चलिए तो हमारा सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, तो मैं बताया हूं कि सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा बेस कौन सा है। तो मैं देख पा रहा हूं अंश में जो सबसे छोटा बेस दिख रहा है मेरे क्या दिख रहा है 4, और इसी प्रकार हर में क्या दिख रहा है मेरे को 5। तो आपको ट्राई क्या करना है, जो बड़े बेस है उसको छोटे बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो यदि आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कन्वर्ट करोगे।
अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से ब्रेक करके। जिनको नहीं आता वो गुणनखंड विधि का हेल्प लेंगे। क्लियर है? चलिए तो मैं कर रहा हूं। ये 4 टू दी पावर n है तो आप इसको ऐसे लिख दो, 4 टू दी पावर n। बगल में लिखा हुआ है 20 टू दी पावर m माइनस 1, तो 20 का मतलब मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, और होल टू दी पावर क्या लगा दूं मैं यहां पास, m माइनस 1। 12 का मतलब होगा 3 इंटू 4 होल टू दी पावर m माइनस n। 15 का मतलब होगा 3 इंटू 5 होल टू दी पावर m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 2। इसी प्रकार नीचे डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, तो आप डिवाइड में बोलोगे क्या मिलेगा, 16 टू दी पावर m, इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 होल टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई, इसको तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे तो एज इट इज रहेगा, 2 टू 5 टू दी पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 9 टू दी पावर m माइनस 1, तो 9 टू दी पावर m माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 होल टू दी पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 होल टू दी पावर m माइनस 1। क्लियर है? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कौन सा, मैं बताया हूं आपको, a इंटू बी इंटू सी होल टू दी पावर n होगा, तो आप लिख सकते हो a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n इंटू सी टू दी पावर n। इसी प्रॉपर्टी का यूज करोगे जहां पे इसका यूज होगा। तो यहां पे तो नहीं है तो संख्या ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्या लिखोगे आप यहाँ पास, 4 टू दी पावर n, बगल में मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 टू दी पावर m माइनस 1, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 टू दी पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर m माइनस 1। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बगल में लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर m माइनस n मल्टीप्लाइड बाई 4 टू दी पावर m माइनस n, बगल में मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखूंगा मैं, 3 टू दी पावर m प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर m प्लस n माइनस 2। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा गया भी एग्जाम में। अब क्या लिखूंगा मैं यहां पास, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप यहां पास, 4 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई 4 टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर m माइनस 1। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करोगे, और जो नहीं हो रहा वो उसको नहीं करोगे। तो ऐसा कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा है जो आपस में कैंसिल हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n वाला। क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। अगर सर बेस सेम है, बगल बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो इसके जो पावर है आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो मैं सिक्वेंस वाइज कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं मैं 3 वाला, तो 3 वाले कितने ठोक दिख रहे मेरे को, 2 ठोक, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं भाई जोड़ के, क्या मिलेगा यहाँ पास, 3। अब क्या लिखा हुआ है, m माइनस n, अब जुड़ेगा मतलब m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 2, तो ये माइनस n और प्लस n आपस में कैंसल, m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 2, तो माइनस n प्लस n आपस में कैंसल, क्या मिलेगा, m और m 2m, और बगल में बचे हैं माइनस 2, तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर 2m माइनस 2। अब मैं ले रहा हूं बगल में मल्टीप्लाई करके, जिसका बेस में क्या है 4, तो 4 वाले में कितने टर्म दिख रहे हैं, 2 ठोक, यहां पे क्या मिलेगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं, m प्लस n माइनस 1, पहले m आता है तो पहले m को लिख दिया, उसके बाद आता है n तो n को लिख दिया, बगल में माइनस 1, ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हो n प्लस m माइनस 1, एक ही बात होगा, लेकिन मैं सीक्वेंस में लिख दिया हूं, m प्लस n माइनस 1 लिख सकते हो आप। बगल में फिर क्या लिखोगे आप, मल्टी, अच्छा ये भी है ना, एक ये भी है, तुम समझिएगा, एक ये छूट रहा था यहाँ पे, समझिएगा इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, ये भी छूट रहा था, ये है एक और, तो ये क्या हो गया, n प्लस m माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, m माइनस n, तो देखो प्लस n माइनस n क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल, प्लस n माइनस n आपस में कैंसल, m और m कितना मिल जाएगा 2m, और क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस 1, क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस 1, ये हो गया m और ये हो गया m, m और m कितना होगा 2m, और बगल का माइनस 1, ये n और ये माइनस n आपस में जीरो। क्लियर है? बगल में फिर लगेगा मल्टीप्लाई,
यहां पे क्या मिलेगा, 5 वाला 5 टू दी पावर m माइनस 1, और एक बच्चा हुआ यहां पास 5 टू दी पावर m प्लस n माइनस 2। तो ये m और m कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2m, m और m कितना हो जाएगा 2n, और क्या बचा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 होगा और बगल में प्लस n, तो आप बोलोगे 2m प्लस n माइनस 3। ये m और m कितना हो गया 2m, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये बगल का n। क्लियर है, ये हो गया अंश की बात। इसी प्रकार क्या करोगे आप हर में, तो हर में भी क्या करो आप सीक्वेंस वाइज चलो, पहले 3 को फिर 4 को फिर 5 को। तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा, यहां पास 3 टू दी पावर m माइनस 1 और 3 टू दी पावर m माइनस 1, क्या मिलेगा 3 टू दी पावर 2m माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू दी पावर क्या मिल जाएगा 2m, और यहां पे क्या मिलेगा 5 टू दी पावर 2m प्लस n। अब देखिए अंश और हर में बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो जो भी टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको आप आपस में कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, इसको आप काट दो। क्लियर है कि नहीं, अब फिर से ऑपरेशन कर रहा हूं मैं अगला स्टेप। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 4 टू दी पावर 2m डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 1, कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके, a टू दी पावर m माइनस n, क्या होता है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं लिख लिया ऐसा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूं मैं 5 टू दी पावर 2m प्लस n डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 3, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। ये हो गया अंश का बात। इसी प्रकार आपको हर में दिया गया है, क्या दिया गया है 4 टू दी पावर 2m, 4 टू दी पावर 2m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 2m प्लस n। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताया था जब मैं लैडर फॉर्म के क्वेश्चन बताया था, तो बताया था a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c होगा, तो आप लिख सकते हो a बाई बी इंटू c। तो इसी प्रॉपर्टी में मैं चेंज करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पास से, तो आप बोलोगे 4 टू दी पावर 2m इंटू 5 टू दी पावर 2m प्लस n, और यहां पे क्या बच गया आपके पास 4, और यहां पे बच गया 5 क्यूब, और बगल में क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 4 टू दी पावर 2m मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 2m प्लस n। तो देखो अंश और हर में है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो जो कैंसल हो सो आप कैंसल कर सकते हो। तो ये कैंसल होगा 4 टू दी पावर 2m, 4 टू दी पावर 2m, 5 टू दी पावर 2m प्लस n, 5 टू दी पावर 2m प्लस n। फाइनली क्या बचेगा आपके पास, तो आप बोलोगे 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 5 क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1/500। देखिए भाई हर स्टेप बनाया हूं मैं, कहीं पे भी जंप नहीं किया हूं, तो ध्यान से समझिए, कहीं पे किसी कुछ दिक्कत है तो पूछिए, ध्यान से देखो। हर स्टेप टू स्टेप बनाया हूं, साइड में प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया हूं, किसी कुछ दिक्कत ना हो करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं घटांक एवं करणी के, वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था ये वाला, ठीक है ना, भले लेंदी मना है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आया समझ में सभी को ना, एक बार कमेंट करो। तो क्लास टीचर रहे ना, स्पीड तो नहीं हो रहा है, क्लास स्पीड तो नहीं हो जा रहा है भाई, या एकदम स्लो तो नहीं हो जा रहा है, बताओ स्पीड स्लो दोनों तो नहीं हो रहा है कि ठीक है सर, क्लास का स्पीड ठीक है कि नहीं। हाँ चलो, समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीजीपीएससी प्री 2021 में आया था।
दिया है 5 to the power a equals to 7 to the power b equals to 35 to the power c. तो आपको बताना है कि c का आंसर क्या होगा, ये आपके पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आप इसमें 2021 का प्री, ठीक है ना, प्री 2021 का पेपर देखिएगा, पूछा गया है 5 to the power a equals to 7 to the power b equals to 35 to the power c। तो आपको बताना है कि c का वैल्यू क्या आएगा। अब समझिए मुद्दे का बात, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हो, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ हो, तो उस केस के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म के का यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट टर्म के का यूज करते हैं, समझिएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, 5 to the power a equals to 7 to the power b equals to 35 to the power c equals to k, लिख सकता हूं मैं इसको k के बराबर में। कब लिखोगे, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल आपस में कैसे होंगे इक्वल्स, तो आप कांस्टेंट टर्म k का यूज करिएगा। अब आप इसको इक्वेट कराइए 5 to the power a equals to k से, 7 to the power b equals to k से और 35 to the power c equals to k से। करा सकता हूं मैं इक्वेट, क्योंकि 35 to the power a 7 to the power b के बराबर है, 7 to the power b 35 to the power c के बराबर है और 35 to the power c k के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं 5 to the power a k के बराबर होगा, 7 to the power b k के बराबर होगा, 35 to the power c k के बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 5 equals to k to the power 1 by a। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताया था, याद करो, a to the power n equals to b, तो मैं बोला था a equals to लिख सकता हूं मैं b to the power 1 by n, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज किया हूं। यहां पे a के प्लेस में 5 दिया है, n के प्लेस में a दिया है और b के प्लेस में k दिया है, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं। इसी प्रकार मैं यहां पास लिख सकता हूं 7 equals to क्या, k to the power 1 by b, और 35 equals to क्या, तो आप बोलोगे k to the power 1 by c। इसका मैं नाम कर रहा हूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब मैं यहां से बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं सर, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, 5 है, इक्वेशन 2 में क्या है, 7 है, तो किसके बराबर हो गया, इक्वेशन 3, 5 7 35। अब आप इसको रिप्लेस करो k के फॉर्म में, 5 का मतलब क्या होगा, k to the power 1 by a, मल्टीप्लाई लगाओगे आप भी, क्या लिखा हुआ है, 7 मतलब क्या हो जाएगा, k to the power 1 by b, और 35 मतलब क्या हो जाएगा, k to the power 1 by c। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं k के टर्म में क्यों चेंज किया, ताकि मैं बेस को आपस में क्या कर सकूं, सेम कर सकूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो याद रखना जब भी आपके पास दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है, आप एक कांस्टेंट टर्म k का यूज करिएगा। चलिए अब आपका बेस सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपको मिलेगा k to the power 1 by a plus 1 by b equals to k to the power 1 by c। अब आपको अगला प्रॉपर्टी मालूम है, यदि सर बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू लगा है, तो इसके पावर जो है आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, b plus a divided by ab, क्रॉस मेथड। लेक्चर नंबर 2 में बताया था मैं, वी बोर्ड मार्क्स जब पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 और 3 में, कि भिन्न संख्याओं के बीच को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, तो जो चैनल पे नया होगा वो देख लीजिएगा जाके, भिन्न संख्याओं के बीच में अगर प्लस या माइनस होता है तो कैसे करते हैं, मैं बताया था क्रॉस मेथड, उसी क्रॉस मेथड से अप्लाई करके निकाला हूं, और यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 by c। तो आपको बेसिकली बताना किसका आंसर है, सी का, तो आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, सी बराबर, आप बोलोगे a into b divided by a plus b, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c equals to ab divided by a plus b। देखिए ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन, मैं क्या बोला हूं आपको, जब भी दो या दो से अधिक वेरिएबल आपस में इक्वल्स टू होंगे, एक कांस्टेंट टर्म के लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, और आपको डेटा ऐसा दिया रहेगा
किनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसी प्रकार का और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, ताकि और समझा सकूं, समझिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to the power x = 2 to the power y = 6 to the power -z, 6 टू दी पावर माइनस जेड हो तो आपको बताना है 1 upon x + 1 upon y + 1 by z = क्या होगा, ये बताना है। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको बताया कि सर दो या दो से अधिक वेरिएबल अगर उनके बीच में इक्वल्स टू लगा होगा तो आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म k का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म k का यूज करोगे। तो जब मैं k का यूज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 to the power x = 2 to the power y = 6 to the power -z। तो आप बोलेंगे हाँ सर, और इसके इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा मैं, k, कांस्टेंट टर्म में k का यूज कर सकता हूं। अब आप इक्वेट कराओ 2 to the power x = k, ये क्या है 3 है ना, एक्चुअल में 3 है, ये 3 कर लेना इसको ना, 3 है वो। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं 3 to the power y = k और 6 to the power -z = k, 6 to the power -z = k। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 बराबर क्या हो जाएगा, k to the power 1 by x, प्रॉपर्टी आपको मालूम है a to the power n = b होगा, तो a = क्या हो जाएगा b to the power 1 by n, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। यहां से मैं लिखूंगा 3 = k to the power 1 by y और यहां पर लिखूंगा मैं 6 = k to the power -1 by z। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको मालूम है क्या कि इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिख रहा है 3, और आपस में क्या लिखा हुआ है 6, तो 2 3 6 होता है। अब आप रख दो 2, 3 और 6 का वैल्यू k के टर्म में, तो 1 by x + k to the power 1 by y + k to the power -1 by z, k to the power -1 by z। अब आपको मालूम है कि सर यदि बेस सेम है और बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो जो पावर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप लिखोगे k to the power 1 by x + 1 by y = क्या बच जाएगा, k to the power -1 by z। अब आपको मालूम है कि यदि बेस सेम है और बीच में इक्वल टू लगा है तो इसके जो पावर है उसको आप आपस में बराबर कर सकते हैं और यहां पे क्या बचेगा -1 by z, ठीक है ना भाई, -1 by z है। अब आप -1 by z टर्म को इधर लाओगे LHS में तो क्या हो जाएगा वो +1 by z और क्या बच जाएगा इक्वल टू में 0, और आपको इसी का आंसर करना था 1 by x + 1 by y + 1 by z का। तो कितना आंसर मिलेगा यहां पास 0, कितना आंसर मिलेगा आपको यहां पास 0, देखिए ध्यान से देखिए, बताओ किसी कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है कि नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और नए टॉपिक में चलते हैं।
ठीक है कि नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझिएगा। अगला मैं कल जो डिस्कस किया था उसको बता रहा हूं, चलिए समझिएगा। अगला पैटर्न का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया इस पैटर्न का क्वेश्चन को, तो समझिएगा। 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36, 5 to the power 24 ऐसा दिया है, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप पहले समझिएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपसे पूछा 2, 3, 4 और 5 इनमें सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर स्वाभाविक सा बात है 5 बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है 2। अब मैं आपसे पूछा 2 का घात 2, 3 का घात 2, 4 का घात 2 और 5 का घात 2 इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 5 का घात 2 का मतलब होता है 25, तो यही बड़ा होगा, और सबसे छोटा संख्या क्या मिलेगा 2 का घात 2 कितना होता है 4, और ये तो 9 होगा, ये 16 होगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी 5 का घात 2, 25 मिलेगा। इसी प्रकार मैं पूछा 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3 और 5 का घात 3 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 2 का घात 3 का मतलब हो गया 8, 3 का घात 3 मतलब हो गया 27, 4 का घात 3 मतलब हो गया 64 और 5 का घात 3 मतलब हो गया 125। तो आप बोलोगे सर 5 का घात 3 एक बड़ी संख्या है और 2 का घात 3 सबसे छोटी संख्या दिए गए प्रश्न में, तो मैं यहां से कंक्लूड क्या कर रहा हूं समझिएगा, समझना। यहां पे पावर में पूछ लिया मतलब क्या लगा रहता है बाय डिफॉल्ट 1, इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं यहां पे कंक्लूड ये करना चाह रहा हूं कि यदि आपके पावर सेम है, यदि क्या सेम है आपका पावर एक्सपोनेंट घात सेम है आपका, आपका क्या सेम है घात सेम है, और बेस सबका अलग अलग है, बेस देख पा रहे हो आप लोग अलग अलग है, बेस यदि अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो जिस संख्या का बेस बड़ा होगा वह बड़ी संख्या कहलाती है, जिस संख्या का बेस छोटा होगा वह छोटी संख्या कहलाती है। देखिए यहां पे 5 बड़ा है, बेस बड़ा है 5, यहां पे बेस छोटा है 2, और दोनों का बेस सेम है, तो जिस संख्या का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो जिस संख्या का बेस बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी, और जिस संख्या का बेस छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास पावर अलग अलग दिया है तो सबसे पहले काम होगा कि आपको पावर सेम करना होगा, अगर आप पावर सेम कर लेते हो तो आप बेस को देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी होने वाली है, कौन सी संख्या छोटी होने वाली है। चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इसको बनाऊंगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको बेसिक बात, अब बेसिक बात समझ में आ गया तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अल्टीमेट मेरा एम क्या होगा, अल्टीमेट एम ये होगा सर कि अगर बेस अलग अलग है पावर अलग अलग है तो मैं पावर को पहले सेम करूंगा। अब पावर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी पावर दिए हैं उन सबसे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, उन सबसे क्या निकालना पड़ेगा आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या होगा, जो इन सभी संख्याओं को क्या करे पूर्णता विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को क्या करे अलग अलग विभाजित कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना 2 to the power 5 into 12, 12 × 5 = 60 होगा, 12 निकाल रहा हूं कॉमा, यहां पे लिख सकता हूं 3 to the power 4 into 12, यहां पे लिख रहा हूं 4 to the power 3 into 12 और यहां पे लिख रहा हूं 5 to the power 2 into 12, लिख सकता हूं मैं ब्रेक करके। 60 का मतलब होगा 12 × 5 या 5 × 12, 48 का मतलब 4 × 12, 36 का मतलब 3 × 12 और 24 का मतलब 2 × 12। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम पड़ गया 12 12 12 12, आप 12 को बाहर रख दो और जो बच गई संख्या उसको अंदर में रखे रहो ब्रैकेट में, 3 to the power 4 whole to the power 12, 4 to the power 3 whole to the power 12 और यहां पास 5 to the power 2 whole to the power 12। अब आपका पावर सेम हो गया, अब आप बेस को देख के बता सकते हो, अब बेस को देखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा बेस को, 2 to the power 5 यानी क्या हो जाएगा 32 whole to the power 12, 81 whole to the power 12, 64 whole to the power 12 और 25 whole to the power 12। अब आप देखिए
सबके पावर सेम हो गए, पावर सेम हो गया तो आप बेस को देख के बता सकते हो सर जिस संख्या का बेस बड़ा होगा वह बड़ी संख्या। 81 टू दी पावर 12, तो 81 का बेस बड़ा है और 81 टू दी पावर 12 किससे बना है, तो आप बोलोगे 3 टू दी पावर 48 से, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 32 टू दी पावर 12 किससे बना है, आप बोलोगे 2 टू दी पावर 60 से, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना रहता है। यदि पावर में इंटीजर वैल्यू लगे हैं, कैसे लगे हैं इंटीजर वैल्यू, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं कॉमन, एच सी एफ कॉमन निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, पावर को आप पहले सेम करोगे, पावर सेम करने के बाद आप बेस को चेक करोगे, बेस को चेक करके आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, किसी कोई दिक्कत है क्या कमेंट करके पूछिए, किसी कुछ दिक्कत है तो। अच्छा छोटी में ना, छोटी में थोड़ा सा मैं गलती कर दिया हूँ, छोटी में क्या मिलेगी आपको 25 का घात 12 ना, छोटी में कौन सी मिलेगी आपको 25 का घात 12, संख्या छोटी है ना, मैं 25 को देखा नहीं था, ये वाला छोटी नहीं होगी, छोटी संख्या कौन सी मिलेगी आपको, आपको मिलेगी 5 का घात 24 वाला, ये छोटी मिलेगी ना, क्योंकि इसका बेस देखो आप, इसका बेस क्या है 25 है ना, तो 25 वाला क्या होगा छोटा होगा 32 से, तो छोटी संख्या मिलेगी 25 टू दी पावर 12 यानी कि 5 का घात 24, ठीक है। चलो तो ये होता है अप्रोच बनाने का, क्लियर है कि नहीं, कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा पावर को सेम करना पड़ेगा। चलिए चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी में पूछता है क्या, जिसमें करणी हो, जिसमें क्या रहता है करणी वाला, समझिएगा अगला, समझिएगा रूट टू कॉमा क्यूब रूट टाइम्स ऑफ फोर्थ कॉमा फोर्थ रूट सिक्स, ये दिया है। अब आपको पूछेगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ध्यान से समझिएगा भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो मैं क्या बताया था आपको, किसी भी संख्या को जाननी है बड़ी संख्या कि छोटी संख्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को सेम करना पड़ेगा। तो मैं पहले पावर को देखता हूं कि यहां पे क्या लगा है, यहां पे लगा है पावर में 1/2, यहां पे लगा है पावर में 1/3 और यहां पे लगा है पावर में 6 टू दी पावर 1/4, ये लगा है 1/2 1/3 1/4। और इसके पहले अगर आप देखोगे कि जो संख्या था कैसे था, इंटीजर फॉर्म में, पूर्णांक में था। अब यहां पे जो पावर लगा है वो कैसे है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न संख्या के रूप में। तो जब आपके पास ऐसा संख्या प्रेजेंट होगा जिसके पावर में भिन्न संख्या लगा होगा, तो उस केस में पावर को सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड यूज करते हैं। कौन सा निकालते हैं हम लोग, एलसीएम मेथड। एलसीएम निकालोगे पहले, अब किसका एलसीएम निकालेंगे सर, तो जो भी आपके पावर के हर में दिया होगा, जो भी आपके पावर के हर में दिया होगा उन सभी संख्याओं का क्या निकालोगे आप, LCM, क्या निकालोगे आप LCM। तो जब आप LCM निकालोगे 2, 3 और 4 का, तो आपको LCM कितना मिलेगा 12, आपको LCM कितना मिलेगा 12, समझ में आया। और इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं, किसमें निकालते हैं HCF, पूर्णांक वाले संख्या पे, पर भिन्न वाले संख्या में क्या निकालोगे आप LCM, ताकि आप पावर को बराबर कर सको। तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे और एलसीएम निकालने के बाद आप ब्रैकेट बनाना और सब में चिपका देना 1/12 1/12 और 1/12, जो भी एलसीएम निकला है उसको 1/12 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आप उसको लिख देना, जो भी एलसीएम निकला रहेगा तो 1/LCM 1/LCM 1/LCM। अब आपको काम क्या रहेगा, मैनेज करने का रहेगा, समझिएगा, बैलेंस करना है। यहां पे संख्या क्या लिखा है 2, तो आप संख्या को भी लिख दो 2, 4 और यहां पे भी क्या लिख दो 6। अब देखो
मूल प्रश्न में कितना दिया है पावर 1/2 और आप क्या लिखे हो यहाँ पे 1/12 दिया है 1/2 आप लिखे हो 1/12 तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 6 1 6 और 6 2 12 तो आपको कितना मिल जाएगा 1/12। इसी प्रकार क्या लगा हुआ है 1/3 तो बैलेंस करना पड़ेगा 1/12 को कैसे करोगे आप तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 4 1 4 और 4 3 क्या हो जाए 12। इसी प्रकार यहाँ पे किससे बैलेंस करूंगा मैं 3 से ताकि 3 1 3 4 12 ये ऐसा कैंसिल हो जाए। और अगर आपको डाउट आएगा कि सर बैलेंस कैसे करें तो उसको बता दे रहा हूं मैं आप क्या लिखना एक्स इंटू 1/12 ये x हो गया इंटू 1/12 अब जिससे बैलेंस करना है 1/2 वाले से तो इक्वल में लिख दो आप 1/2 जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 12/2 और 12/2 यानी कितना हो गया 6 तो आप किससे बैलेंस किए हो देखो 6 से। इसी प्रकार आपको बैलेंस करना रहा x इसको इस वाले टर्म को तो कैसे करोगे आप लिखोगे x इंटू 1/12 और इक्वल्स टू में क्या है 1/3 आप लिख दो 1/3 इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 12/3 तो 12/3 यानी कितना हो जाएगा 4। यदि आप क्वेश्चन निकालने नहीं आएगा डायरेक्ट तब की बात है अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है कि मैं शॉर्टकट बता दूं साइड में जिनको नहीं आएगा वो ऐसा निकालेगा। अब समझो 2 to the power 6 तो 2 to the power 6 यानी क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 64 का घात 1/12 यहां पर क्या मिलेगा 256 whole to the power 1/12 और यहां पर क्या मिलेगा 216 का घात 1/12। अब मैं आपको बताया था यदि सर आपका पावर सेम हो जाएगा तो केवल आप बेस को देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप देखिए बेस यहां पे 256 इन सबसे बड़ी दिख रही है तो ये क्या बन जाएगी सर बड़ी संख्या। सबसे छोटी क्या दिख रही है 64 तो यह बन जाएगी छोटी संख्या। अब बेसिकली बने किससे हैं तो आप बोलोगे √2 वाली सर जो संख्या है वो क्या होगी सबसे छोटी संख्या और जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी मिलेगी √3 √4 सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। तो अल्टीमेट पूरा कहानी यही है कि आपको सबसे पहले पावर को सेम करना होता है। पावर यदि आप सेम कर लिए तो उसके बाद आप बेस से चेक करोगे जिसका बेस बड़ा होगा वह अपने आप में बड़ी संख्या जिसका बेस छोटा होगा वह छोटी संख्या। पूरा खेल है किसमें बेस को सेम करने में। अब मैं बता चुका हूं यदि आपके पास कौन सी संख्या रहेगी इंटीजर वाली संख्या होगी तो आप क्या करोगे एचसीएफ निकालोगे अगर आपके पास फ्रैक्शन वाली संख्या होगी तो आप एलसीएम निकालोगे। जो भी एलसीएम निकलेगा उसको आप पहले लिख लेना 1/LCM 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 और जो ब्रैकेट के अंदर संख्या रहेगी उसको आप पहले लिख लेना। उसके बाद आपको बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है बैलेंस। अब बैलेंस करने नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट में बता दिया हूं कैसे करना है साइड में। क्लियर है कि नहीं। आप यहां पे मान लेना एक्स और 1/12 का है आपका एलसीएम और किससे बैलेंस करना है 1/2 से तो 1/2 को लिख देना इक्वल में। यहां पर लिखना एक्स इंटू 1/12 किससे बैलेंस करना है 1/3 से तो इक्वल टू में 1/3। यहां पे किससे बैलेंस करना है 1/4 से तो आप क्या लिखोगे एक्स इंटू 1/12 इक्वल टू 1/4। बस इतना ही काम करना है। आपका बेस सेम बेस देखोगे जिस संख्या का बेस छोटा वह संख्या छोटी संख्या जिस संख्या का बेस बड़ा वह बड़ी संख्या। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न और हो सकता है कि आपकी शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में भी पूछ ले। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं आप प्रैक्टिस करिएगा आप सभी से बन जाएगा। क्लियर है सभी को। क्लियर है। चलिए एक लास्ट पैटर्न बच गया आपको घातांक एवं करणी से समझिएगा। लास्ट पैटर्न अगर आपके पास क्वेश्चन आया √5 √5 और √5 अब याद करो जब मैं पढ़ाया था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट तो यही टर्म आपको कहां तक गया था पूरा इंफिनिटी तक गया था तो उसका आंसर क्या आता सीधा सीधा 5 आता। लेकिन मैं यहां पे इंफिनिटी तक नहीं गया हूं क्या लिखा हूं मैं केवल √5 √5 और √5 यानी कि एक लिमिट टर्म तक गया है एक लिमिट टर्म तक। तो पहले समझो कि सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा उसके बाद मैं बता दूंगा शॉर्टकट क्या होगा। चलो तो आपका क्या रहेगा सॉल्व करने का अप्रोच क्या लिखा हुआ है √5 √5 √5 तो समझिएगा इसको मैं लिख सकता हूं ना 5 √5
रूट फाइव होल टू दी पावर वन बाई टू, क्योंकि भाई रूट एक्स का वैल्यू आपको मालूम है, रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर वन बाई टू। तो मैं यहां पास से रूट को हटाया और क्या लिख दिया मैं, वन बाई टू। इतना समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको वन बाई टू, चलो इसको ना एक काम करते हैं, अंदर से सॉल्व करते आएंगे जल्दी बन जाएगा, अंदर से सॉल्व करते आओगे जल्दी बनेगा, समझना, अंदर से आते हैं, अंदर से आएंगे जल्दी बनेगा, समझो। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अंदर से सॉल्व करते आ रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं ना रूट फाइव, रूट फाइव, और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पास, मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू दी पावर वन बाई टू। इसका मैं रूट हटाया तो क्या लिख दिया मैं यहां पास, वन बाई टू। इसको लिख सकता हूं मैं वन बाई टू। अब आप देखो इस रूट के अंदर में क्या मिल रहा है, फाइव टू दी पावर वन मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू दी पावर वन बाई टू। तो यहां पे बेस सेम है, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है, बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो आप क्या कर सकते हो, इसके पावर को जोड़ सकते हो। तो जब मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, फाइव टू दी पावर, आप बोलोगे थ्री बाई टू। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और क्या लिखूंगा मैं, रूट फाइव, रूट फाइव टू दी पावर थ्री बाई टू। इसको सॉल्व किया मैं और लिख लिया क्या मैं, फाइव टू दी पावर थ्री बाई टू। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हूं, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। पहले बेसिक समझो, ठीक है ना, फिर तो शॉर्टकट मालूम ही पड़ जाएगा। तो ये लिख सकता हूं मैं इसको 5 टू दी पावर 3 बाई टू सॉल्व करके। अब इसको मैं अगला स्टेप में क्या लिख सकता हूं, ये लिखा मैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 3 बाई टू और रूट को हटा रहा हूं और फिर क्या लिख रहा हूं मैं यहां पास, 1 बाई टू। ये रूट 5 हटाया मैं, रूट हटाया और क्या लिख दिया मैं यहां पास, 1 बाई टू। चलो फिर सॉल्व करूंगा मैं, तो यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो आप बोलोगे ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन, क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 इंटू फाइव टू दी पावर 3 बाई टू इंटू वन बाई टू। तो कितना हो जाएगा, रूट फाइव इंटू फाइव टू दी पावर 3 बाई फोर, हो गया 3 बाई फोर। अब आप फिर सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो यहां पास कि क्या बेस सेम हो गया और बीच में मल्टीपाई लगा है, बेस सेम हो गया बीच में मल्टीपाई लगा है, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, आप बोलोगे सर 5 टू दी पावर 1 प्लस 3 बाई फोर। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे 7 बाई 4, 7 बाई 4। आगे सॉल्व करोगे तो रूट कटाओगे तो क्या लिख सकते हो आप रूट कटा के लिख सकते हो पावर में 1 बाई 2। तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा, 5 टू दी पावर 7 बाई 8। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 5 टू दी पावर 7 बाई 8, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये होगा आपका आंसर, फाइनल आंसर। ध्यान रखना, जो पिछली क्लास में बताया था आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वो कहां तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, कुछ लिमिट टर्म तक गया है। तो अगर लिमिट टर्म तक जाएगा तो इंडाइसेस के प्रॉपर्टी, सर्च एंड इंडाइसेस के प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा ये। क्लियर हुआ सभी को? अब मैं बता रहा हूं इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट कैसे को समझिएगा। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5 टू दी पावर 7 बाई 8, समझिएगा मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, एकदम आसान है, जल्दी बन जाएगा आपका। क्या लिखा हुआ यहां पास, दिया है रूट फाइव, रूट फाइव और रूट फाइव। तो आप कुछ मत करिए, जो भी संख्या दिया उसको आप हेजिटिस लिख दीजिए, 5 दिया है तो आप लिख दो 5। अब आप क्या करो, एक डिवाइड का लाइन बनाओ, डिवाइड का लाइन यहां पे लिखोगे 2 टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर एन। अब समझो ये एन क्या होगा, एन क्या होगा, तो एन क्या होगा समझना, ये कितने बार दिया है स्क्वायर रूट, 1 बार 2 बार और 3 बार, कितने बार दिया है, 3 बार। तो आप यहां पे एन के प्लेस में क्या लिखोगे, 3, क्या लिखोगे आप, 3। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। क्या लिखोगे आप लिखोगे 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर 3 यानी हो गया 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे में क्या मिल जाएगा, 8। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं इस फॉर्मूले का, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हो, कैसे, इसको यहां पे लिख लो ए करके, मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ए लिख लो और यहां पे लिख लेना रूट ए, रूट ए, रूट ए। क्लियर है, ऐसा लिख लो आप, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो आप इस प्रकार अप्लाई कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं एन क्या है, जो ये स्क्वायर रूट यूज हुआ है ना जितने बार, वो इसका हो जाएगा एन का वैल्यू, एन यानी जो स्क्वायर रूट यहां पे यूज हुआ है।
क्लियर हुआ है कि नहीं? ये जो एन क्या है, जितने बार स्क्वायर रूट, जितने बार वही हो जाएगा एन का वैल्यू। तो यहां पे तीन बार है तो तीन लिख दिया मैं। अगर बाय द वे आपके पास क्वेश्चन आता, क्या आता समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन आता रूट सेवन और पूछता किसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, पहले आप दी गई संख्या को लिख दो। क्या लिखना है, 2^(n-1)/2^n, जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स 1, 2, 3, 4। तो आप क्या लिखोगे, 2^-4 - 1/2^4। तो क्या मिलेगा, 16 - 1 = 15 और नीचे में क्या मिल जाएगा, 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7^15/16। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, स्क्वायर रूट वाले में जब पढ़ाया था ना मैं, तो वो इन्फिनिटी तक गया था, ये इन्फिनिटी तक नहीं गया है, ये एक लिमिट टर्म तक गया है। तो अगर लिमिट टर्म तक जाएगा तो उसके लिए मैं शॉर्टकट बता दिया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता दिया हूं, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, 2^(n-1)/2^n, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर रूट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, ये स्क्वायर रूट वाले के लिए वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट कर दूं तो फिर फंडामेंटल से बना के आओगे, वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से आप शॉर्टकट बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो मैं इसी को रिजल्ट को देख के शॉर्टकट बनाया हूं। देख पा रहा हूं मैं यहाँ पास क्या है, 8 है, 8 मतलब 2^3 और 7 यानी क्या हो जाएगा, 2^3 - 1। तो जो 2^3 मिला है किससे मिला है, इसको काउंट करने पे। तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा रहेगा तो अप्लाई मत करना, ये केवल किसके लिए है, स्क्वायर रूट वाले के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेसिक से और ये हो गया आपका शॉर्टकट। बताओ किसी कहीं पे भी कोई दिक्कत है क्या? चलो सभी को क्लियर है, कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका घातांक एवं करणी के सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा, आरएस अग्रवाल सॉल्व करिएगा, एसएससी के क्वेश्चंस लगाइए, आपसे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? कल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है कि नहीं? एलसीएम और एचसीएफ आपका बहुत आसान चैप्टर है, आप सभी से बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी दिक्कत होगा तो बेझिझक आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है सभी को? लेकिन अब पढ़ने का समय आ चुका है, बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए भाई, जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा, रिजल्ट होगा, फटाफट सब पेपर होंगे। क्लियर है कि नहीं? नए वैकेंसीज मिलेंगे और सभी में आपको यही सिलेबस मिलेगा, मैथ्स का कॉमन। क्लियर है कि नहीं? तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आने वाले समय पे आप अपना समय बचा सकते हो, अभी से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ दिक्कत आ रहा तो कमेंट करिए। एग्जाम सिर पे रहेगा और आप उस टाइम बुक कॉपी खोलोगे तो शायद आपसे पेपर ना निकले भाई। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट रहेगा, समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बनेगा। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। क्लियर है? तो आप सभी के सभी ध्यान से पढ़ते चलिए, कुछ दिक्कत आएगा तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।